प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी ने प्रबुद्ध जनों को किया संबोधित, बोले अब लखनऊ बदल रहा है, स्वच्छता रैंकिंग में मिली जगह। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि, युग परिवर्तन सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष कार्यालय के बाहर मिले हैं संदिग्ध 3 संदिग्ध युवक को पुलिस ने पकड़ा। साइकिल यात्रा पहुंची कुशीनगर, रोटरी क्लब के सदस्यों ने किया भव्य स्वागत। गाजीपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया समापन, एसपी ने विजेता टीम को किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। योगी ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया है और लखनऊ वासियों को स्वच्छता रैंकिंग में जगह बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने वही जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी से कहा है कि लखनऊ स्मार्ट सिटी के रूप में बदल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी शहर को मिलेगा, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का कारखाना भी शुरू होने जा रहा है। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिवस पर युग परिवर्तक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया गया है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी और बीबीडी ग्रुप के अध्यक्ष विराज सागर दास जी की उपस्थिति रहे। इसमें प्रांत प्रवासी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत के प्रांत मंत्री आकाश पटेल भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ पूरा द्वारा आज बाबा साहेब के जन्मदिवस पर युग प्रवर्तक समारोह जो है कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विराज सागर दास जो बीबीडी के अध्यक्ष है इसमें मौजूद है। सर, आज कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ, आप चीफ गेस्ट के रूप में आए, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने कार्यक्रम के आयोजित किया।
इसमें उनने 8 साल से एकदम छोटी आयु से लेके एकदम 20-21 कॉलेज के बच्चों तक सबको प्रोत्साहन दिया है, जिसमें अलग अलग फील्ड में इन बच्चों ने काम करा, जिनके मार्क्स आए या जिनने स्पोर्ट्स में करा, म्यूजिक में करा। अधिकतर हम देखते हैं कि हर प्रोत्साहन जो दिया जाता है वो मार्क्स के बेसिस पे दिया जाता है, पर हमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए जिसमें यहाँ पे काम करा जा रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे और कार्यक्रम होने चाहिए पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में होने चाहिए, जिससे ओवरऑल बच्चों को डेवलपमेंट में हम फोकस करें। सिर्फ मार्क्स के पीछे बच्चों को नहीं हमें प्रोत्साहन करना, किसी मार्क्स के पीछे भागें, हमें एक उनकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, जिस जो ऐसे कार्यक्रम बहुत अच्छे से करते हैं। आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, इंटर्नशिप की बात की, ये बताइए कि BBD इसके लिए, इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? हम बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अपने हर प्रोग्राम में BBD यूनिवर्सिटी में हम कोशिश करते हैं कि अपने करिकुलम में हम कुछ महीने सिर्फ इंटर्नशिप के लिए ही रखें। खासकर हम बच्चों की पूरी सहायता करते हैं कि वो खुद फील्ड में जा सकें। जैसे हमारा डेंटल का कॉलेज है, उसमें हम बच्चों को अपने आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे भेजते हैं, कैंप कराते हैं। हमारा बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं, बच्चों से बोलते हैं कि वहाँ के जो लोकल आर्टिसंस हैं, लोकल शॉप ओनर्स हैं, उनसे मिले कि कैसे उनको वो एक कॉर्पोरेट बिजनेस या प्रोफेशनल को ऑर्गेनाइज बिजनेस में उनको कैसे उनको बदल सकते हैं। हमारे लीगल के जो बच्चे, हम उनको लीगल एड को कैंप्स कराते हैं, जहाँ पे हम उन्हें सिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या राइट्स हैं, गांव में भेज के औरतों को बताते हैं कि औरतों की क्या राइट्स हैं। तो ऐसे हम बहुत कोशिश करें कि बच्चे खुद जाएँ और ग्रामीण क्षेत्र में जाए, लोगों को बताएं कि क्या नॉलेज है, क्या उनके पास क्या प्रोविजन हैं। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसमें और हम उसे बढ़ाना चाहेंगे और चाहेंगे कि और लखनऊ के जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, वो भी उसमें आगे आकर जुड़ें। क्या कुछ स्कॉलरशिप और प्रोग्राम भी आपके यहाँ से आयोजित किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप हर तरीके की स्कॉलरशिप है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई बच्चा अगर किसी गरीब परिवार से आता है। लगभग हम अपने पूरे साल में हम लगभग देते हैं तो कम से कम 2000 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं एक साल में। तो स्कॉलरशिप पर भी हमारा बड़ा वो रहता है कि हमारा मानना ये है कि हर बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए पर आगे बढ़ने का, पढ़ाई करने का। उसी आदर से BBD यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और उसी को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ BBD अध्यक्ष विराज सागर, जिन्होंने हमसे बातचीत में स्कॉलरशिप से लेके इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की चर्चा की। मैं विवेक शाही, Prime TV, लखनऊ। खबर सुल्तानपुर से, जहां चीनी मिल पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ SDM CP पाठक और चीनी मिल प्रबंधक प्रताप नारायण ने किया है। बता दें कि सत्र के शासन की तरफ से 16 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य निर्धारित हुआ था। चीनी मिल प्रबंधक ने बातचीत में बताया कि शासन की तरफ से टेंडर प्रक्रिया जारी की गई है। मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने और किसानों को 100% भुगतान किया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि सांसद द्वारा जीर्णोद्धार का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में कृषकों के लिए हमारी चीनी मिलों से 100% भुगतान कर दिया गया है। 580 करोड़ हो गया है जब से मिल लगा, और छोटी इकाई होने के कारण इसमें वायबिलिटी नहीं उतनी आ रही है। तो शासन ने इस पर पूरा विस्तृत जांच की है और इससे एक्सपेंशन की कार्रवाई शुरू हो गई है, और इस चीनी मिल की DPR भी बन गई है। अभी फिलहाल 18 से 20 हज़ार क्विंटल प्रतिदिन पिराई क्षमता के लिए प्रस्ताव दिया गया है, परंतु अभी माननीय विधायक जी ने कहा था कि हमको जो पूर्व में प्रस्ताव भेजा गया था डिस्टली चीनी मिल 5000 TCD की, 100 KLs की डिस्टली और कोजेनरेशन प्लांट 2750 MW। ग्रेटर फरीदाबाद में एक नामी हॉस्पिटल अकार्ड की जनरल मैनेजर का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से शव लटकता मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला जनरल मैनेजर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल संदिग्ध परिस्थितियों में जनरल मैनेजर की मौत के मामले में परिजनों ने हॉस्पिटल के फार्मेसी में काम करने वाले मृतका के सीनियर पर हत्या का शक जताया है। वहीं पुलिस ने मुताबिक परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो मैं तो इन्फॉर्मेशन जैसे हुई थी, हम यहाँ आए थे, देखा तो उन्होंने पुलिस बुलाई है 112 नंबर, और स्टाफ आया था उसका भी हॉस्पिटल का, एकॉर्ड हॉस्पिटल में काम करती थी, कोर्ट में सर्विस करती थी। लड़की सविता लड़की का नाम है, उम्र इसकी करीब 27 साल है, और ये 30 तारीख को वहाँ ड्यूटी करके आई थी शाम को, जिसकी हमने नीचे जो गार्ड बैठते हैं उसके रजिस्टर वगैरह को चेक किया था, टाइम को चेक किया है उसके, और वो कॉपियाँ हमने ली हैं मौके से। ऊपर गए थे हम, इनके तीसरे फ्लोर पर रहती थी, तो वहाँ अकॉर्ड हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे वो इसके बारे में पूछने के लिए कई दिन से नहीं आ रही थी, तो वो आए थे, उन्होंने इस दरवाजे को खुलवाया था गार्ड और प्रिंस अपने उसके ये
सोसाइटी के कर्मचारी। फतेहपुर में भविष्य निधि के नाम पर कंपनी ने करोड़ों रुपए का गबन किया। ये कंपनी बिजली विभाग में मीटर रीडिंग का काम करा रही थी। आपको बता दें कि कंपनी मीटर रीडरों के वेतन से कटौती कर भविष्य निधि का करोड़ों रुपए हड़पने की फिराक में थी। कई महीने बीत जाने के बाद भी मीटर रीडरों का भविष्य निधि का पैसा उन्हें नहीं दिया गया। वहीं विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर कई जिलों में रीडिंग का काम बंद करा दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है। संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में बीते दिनों जिलाधिकारी को भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन भी दिया गया था। मीटर रीडरों का आरोप है कि अपने भविष्य निधि के पैसे मांगने पर कंपनी ने फर्जी आरोप लगाकर कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल रही है और करोड़ों रुपए गबन कर भागने की फिराक में है, जिससे कई परिवारों की रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मंत्री मीटर रीडर का ही फतेहपुर, मैं मीटर रीडरों की समस्या के बारे में अवगत कराना चाह रहा हूँ। 13 महीने से मीटर रीडरों का PF काटा जा रहा है, वो खाते में जमा नहीं हो रहा है, न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा है, टारगेट के रूप में दिया जा रहा है वो भी काट काट करके 2000-3000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, और ना लड़के यदि अपनी बात को उठाते हैं तो उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, आईडी बंद करने की धमकी दी जाती, बहुत लोगों की आईडियाँ बंद भी कर दी गई हैं, और मुकदमा दायर करने के लिए हजार 21 पे मेसर्स स्टर्लिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूर्वांचल के प्रयागराज मंडल पर कार्य करा रही है। नवंबर 2021 से काम का शुरू होने के वर्तमान 3 समय तक तो उसने वेतन का कोई भुगतान नहीं किया, और वेतन का जब भी उसने भुगतान किया तो वॉलेट के माध्यम से वेतन का भुगतान किया, जिसमें ना तो आज तक हमारा 13 महीने का EPF का पैसा आया है, ना ही हमें कभी कोई स्वास्थ्य लाभ मिला है। और कंपनी हमारा जो भुगतान हो रहा है जिसमें प्रति माह 2500 से 3000 रुपया की कटौती करता है, जबकि हमको कोई सुरक्षा उपकरण या मीटर रीडिंग उपकरण उपलब्ध नहीं कराती है। यदि हम उनसे कोई बात कहते हैं कि हमको रीडिंग उपकरण उपलब्ध कराया जाए तो वो हमको कह देते हैं कि ऊपर से ही नहीं आया है तो हम कहाँ से उपलब्ध कराएँ। तो महोदय, जब हमको कोई उपकरण ही नहीं मिलेगा तो हम कार्य को कैसे सुचारू रूप से करेंगे। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर घूम रहे 3 संदिग्ध मुस्लिम युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि ये तीनों युवक बांग्लादेशी हैं और उन पर हमला करने के इरादे से आए थे। कार्यकर्ताओं ने पीछा करने पर वे एक मस्जिद में घुस गए, जहां से पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है। अभी तक उनकी कोई संदिग्ध गतिविधि पुलिस को नहीं मिली है, जिसके बाद तीनों को छोड़ दिया गया। 9 बजे के करीब मैं कार्यालय पर अपने आया तो उसके 2 मिनट बाद ही 3 संदिग्ध व्यक्ति कार्यालय के बाहर घूम रहे थे और कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कार्यालय से 2 लोग बाहर निकल के उन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि शटर कैसे बंद हो गया कार्यालय का, तो उन्होंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने पास में पूछा कि यहाँ जावेद का कारखाना कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं है जावेद का कारखाना कहाँ है। तो उसके बाद में ये लोग कार्यालय में दोबारा घुसने का प्रयास करने लगे, जिसकी CCTV फुटेज में पूरा रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद में उनका पीछा किया गया तो भाग के वो लोग पास में एक मस्जिद है कार्यालय के, उसमें घुस गए। उसमें घुसने के बाद पुलिस कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना देने के बाद 20 मिनट बाद पुलिस ने उन्हें मस्जिद से हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पता चला कि वो बांग्लादेशी हैं। आगरा में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी घटना न हो सके इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है। वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। 6 दिसंबर भारतीय संविधान के काला दिवस के रूप में मनाकर देश में अमन चैन और भाईचारा कायम रखने के लिए दुआ की गई है। शाही जामा मस्जिद पर भी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शासन के आदेश का अनुपालन करने को कहा है। इसके साथ ही धारा 144 लागू है, किसी तरह का जमावड़ा ना लगे। इसके पहले 40 लोगों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। पुलिस ने जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में गश्त किया है। बड़ी संख्या में जामा मस्जिद के पुलिस बल तैनात है। सादा वर्दी में खुफिया विभाग के लोगों को भी तैनात कर दिया गया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कुछ फिरका परस्त ताकतों द्वारा शहीद कर दिया गया था। आज बाबरी मस्जिद की बरसी पर हमने शाही मस्जिद लश्कर खां में एक विशेष नमाज पढ़ दुआ का आयोजन किया।
जिसमें हमने अपने खुदा से रब्बुल आलमीन से दुआ की है कि बाबरी मस्जिद को जल्द से जल्द तामीर कराया जाए और देश के अंदर जो फिरका परस्त ताकतें हैं जो आए दिन देश को तोड़ने की साजिशें रच रही हैं उनको नेस्तनाबूद कर देश के अंदर अमन व अमान कायम रहे, प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे। 6 दिसंबर के मद्देनज़र आगरा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आगरा में एहतियात के तौर पर सेक्टर स्कीम लागू कर दिया गया है और साथ में धारा 144 लागू है। कुल 548 पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ साथ सभी क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी की ड्यूटियां लगाई गई हैं। 89 हॉटस्पॉट डिसाइड किए गए हैं। इसके साथ साथ सभी संवेदनशील जगहों पे अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। पार्क में और जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे भी अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। हरदोई में पुलिस को सफलता मिली है। जनसेवा केंद्र संचालक से कुछ दिन पहले ही लूट हुई थी, इसी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से कीमती सामान भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों के ऊपर पहले भी कई केस दर्ज थे। इस घटना से पुलिस अधीक्षक ने संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया है। थाना शाहबाद क्षेत्र में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अपने घर से अपने केंद्र के लिए जा रहा था। बैग में उसके कुछ रुपए थे जो कि बिजनेस के थे। रास्ते में एक सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने, उसमें से एक ने इसके सर पर लोहे की रॉड से मारकर घायल किया। इसका बैग छीन लिया गया, लूट लिया गया और फिर फायरिंग करते हुए वो बदमाश वहाँ से फरार हो गए थे। इसी में जनपदीय पुलिस में सभी को लगाया गया था, जिसमें आज सफलता मिली है और 2 अभियुक्त जो कि थाना शाहबाद क्षेत्र के निवासी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। एक नरेंद्र है और एक निमित्त है। इनके द्वारा घटना किया जाना स्वीकार किया गया, अपने लूट के करने साथी और साथ में सहयोग के अन्य लोगों के बारे में भी बताया है जिनकी पड़ताल की जा रही है। रायबरेली में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बरसना निवासी ने युवक पर धोखाधड़ी के रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी डलमऊ को शिकायत करते हुए बताया कि युवक ने एम्स में नौकरी लगवाने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद कहा कि जल्द ही नौकरी लगवा देंगे। कई महीने बीत जाने के बाद भी नौकरी पर नहीं लगवाया। जब उसने युवक से अपने रुपये वापस मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी और पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी को शिकायत पत्र दिया है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अम्बेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है और साथ ही मासिक प्रताड़ना करने को लेकर भी सैकड़ों की तादाद में मेडिकल के छात्र और छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के ऑफिस पहुंचे, जिसमें एमबीबीएस के छात्रों ने एडीएम से मिलकर अपनी शिकायत बताई है। कॉलेज में पैसों की वसूली को लेके और फंक्शन को लेके कंप्लेन हुई थी, जिसके बाद डीएम सर ने इंक्वायरी की थी। इसके ही क्रम में हमें एडीएम सर द्वारा कल बुलाया गया था, जिसमें हमने अपने तरफ से सारे बातें रखी हैं और जो भी उससे रिलेटेड एविडेंस था वो सर को दिया है, जिसमें आगे सर इंक्वायरी करने के लिए कहे हैं। आरोप क्या है? आरोप ये था कि पैसों को लेके ही कुछ विवाद था कॉलेज में, जिसमें कलेक्शन हो रहा था बिना परमिशन के, मतलब प्रशासन की तरफ से, और जिसके हमें कोई वो नहीं थी, मतलब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि हमसे कलेक्शन लिया गया है, वो किस लिए लिया गया है और उसका क्या किया जाएगा। आज मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में स्थित है, इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में उनकी कुछ शिकायतें थी, उसकी जांच मेरे स्तर से की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस पूरे प्रकरण की जाँच के लिए मुझे और एडिशनल एसपी को सदस्य नामित किया है। हम लोगों द्वारा उनको सुना गया है, उनकी सारी बातें सुनी गई हैं और उनकी जो लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जो ओरल बातें कही गई हैं उस सब पे विचार किया जा रहा है और जो शिकायतें प्राप्त हुई उसमें हम अभी मेडिकल कॉलेज का पक्ष रखना बाकी है। मेडिकल कॉलेज की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद उसकी पूरे जांच के परिणाम मेरी आख्या जिला तहसील प्रसिद्ध कर दी जाएगी। खबर गाजीपुर से, जहां वाराणसी जोन के 23वीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का समापन किया गया है।
इस प्रतियोगिता का नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम के आयोजन किया गया। इसमें वाराणसी जोन की पुलिस टीमों ने भाग लिया है। आपको बता दें कि फाइनल मैच जनपद चंदौली और बलिया के बीच खेला गया, जिसमें चंदौली की टीम विजेता रही। विजेता टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा मेडल और शील्ड प्रदान किया गया। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित खिलाड़ी को भी महोदय द्वारा मेडल प्रदान किया गया है। सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेलने के लिए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा शुभकामनाएं देते हुए खेल के समापन की घोषणा भी की गई। वाराणसी जोन की ये क्रिकेट प्रतियोगिता थी अंतर जनपदीय, जिसमें वाराणसी जोन के सभी जनपदों ने तथा कमिश्नरेट वाराणसी की टीम ने प्रतिभाग किया। सभी टीम खेल भावना से खेली। आप लोगों को विदित है कि 3 तारीख में इसका उद्घाटन आईजी महोदय ने किया था। उस समय से ही लग रहा था कि प्रतियोगिता अच्छी होगी और कई मैच बिल्कुल बड़े संघर्ष के हुए हैं, जिसमें लास्ट बॉल पर जाके जो क्रिकेट की प्रकृति है उसी के हिसाब से मैच हुए। इस जोनल प्रतियोगिता के विजेता के रूप में चंदौली की टीम प्रथम आई है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में विजय श्री प्राप्त की है। अलीगढ़ में हरदुआगंज कस्बे में आबकारी अधिकारी ने शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन को थप्पड़ मार दिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होकर हो गई है। वहीं आबकारी अधिकारी द्वारा शराब सेल्समैन के थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर कुशीनगर से, जहां कोलकाता में बाधा बॉर्डर तक 2200 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करने निकले लक्ष्मण चक्रवर्ती का रोटरी क्लब के सदस्यों ने अंग वस्त्र और पुष्प देकर सम्मानित किया। साइकिल चालक लक्ष्मण चक्रवर्ती ने बताया कि पौधारोपण के प्रति जागरूक और हर प्रांत में एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। लक्ष्मण चक्रवर्ती ने कई स्थानों पर रात्रि विश्राम, भोजन की व्यवस्था कराने के लिए रोटरी क्लब के सदस्यों की आभार भी व्यक्त किया। मैं शुरू किया कलकत्ता से, राजारहाट नहीं होता हूँ, जाना है सीधा बिहार यूपी हरियाणा पंजाब हो के एकदम बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर हो के चला जाना है झारखंड हो के फिर कलकत्ता। आपका उद्देश्य क्या है इस साइकिल यात्रा का, क्या उद्देश्य है आप? ये उद्देश्य है पेड़ को बचाने के लिए। जो पोता है सामने साइकिल में दिखाई दे रहा है, ये पेड़ लेके मैंने चल रहा हूँ। ये पेड़ आदमी का जीवन में सबसे बड़ा चीज़ है। पेड़ को बचाए और धरती को सही सलामत से रखे। पेड़ नहीं बचेगी तो धरती भी खत्म हो जाएगी। खबर औरैया से, जहां एरवा कटरा और उमरैन कस्बे में जीएसटी संचलन दल के स्थानीय दुकानों में छापेमारी की है। इस दौरान संचलन दल ने अधिकारियों ने बताया कि जिन दुकानदारों का व्यापार का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है, 15 दिनों के अंदर जीएसटी पंजीकरण करा लें, जिससे उन्हें कार्रवाई से राहत मिल सके। जीएसटी की टीम ने मोहम्मद साजिद की बिल्डिंग की दुकान और सलीम सिद्दीकी के शू स्टोर पर भी छापेमारी की। खबर देवरिया से, जहां कृष्णा कॉलोनी से लापता मासूम 7 साल के बच्चे के अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपहरणकर्ता ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि मासूम की हत्या की शव को रामपुर बुजुर्ग गांव के पोखर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर के आधार पर बच्चे का शव को पोखर से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। लड़का खेल रहा था घर के बाहर, घर के परिवार के लोग ये सोच रहे थे कि जगह है पीछे में, जगह तो खेलता होगा। जब 1 बजा तो उसकी माँ कही कि क्या नाम है, खाने के लिए नहीं आया, देखना स्टार्ट कर दी। उसके बाद 2-2.5 बजे के आसपास इनको फ़ोन किए चाचा के लिए, ये लोग गए 3:30 बजे तक खोजे, लोग नहीं मिला। फिर हम लोग को फ़ोन किया, हम लोग सारे लोग मिलके पूरे मोहल्ले गांव में खोजे आगे पीछे। 6-7 बजे के आसपास हम लोग प्रशासन को अवगत कराया गया, बताया गया, प्रशासन हलचल में आई, हम लोग को मदद भी की उन्होंने। और फिर हम लोग ये दूसरे दिन में ढूंढे, पता चला। फिर आज सुबह दुकान पर इनके नोटिस चिपका के गया था। नोटिस में लिखा हुआ था कि आपके मोहल्ले के एक आदमी हमको 1 लाख रुपए दिए हैं उसको उठाने के लिए, और हमारी मांग 30 लाख रुपए की है।
ये जनपद देवरिया में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लगभग 7-8 वर्षीय बच्चे को गला फुसलाकर उसका अपहरण कर लेने और फिर एक तालाब में फेंक कर उसको उसकी हत्या कर देने का मामला सामने आया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो जो परिवार का ही रिश्तेदार है उसे कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर जो डेड बॉडी है उसको भी बरामद कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां दुष्कर्म पीड़िता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर बीपी जॉर्डन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि रायपुरवा थाने में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और आरोपियों के सामने थाने में बार बार बयान दर्ज कराया जा रहा है। पीड़िता ने कहा कि जिस संस्था में वह काम करती है कंपनी के मालिक राजेश कुमार वर्मा ने काम के बहाने लखनऊ ले जाकर दुष्कर्म किया और दुष्कर्म की जानकारी अन्य मालिकों को दी तो आरोपी ने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। मैं ओम श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र में प्राइवेट जॉब करती थी। वहाँ के मालिक मनोज कुमार वर्मा, रानू वर्मा, मूवी वर्मा, अनु वर्मा और नीलू वर्मा। मनोज कुमार वर्मा मुझे काम के बहाने से लखनऊ ले गए और लखनऊ ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। उनके चारों भाइयों ने, रानू वर्मा ने, मूवी वर्मा, अनु वर्मा, नीलू वर्मा ने मेरे घर वालों को धमकी दी और मेरे चाचा को भी धमकी दी पिस्टल दिखाकर। अरे पीड़िता महिला यहाँ पर आई थी, उसके प्रकरण में ऑलरेडी थाने पर केस पंजीकृत है। उसका कहना है कि विवेचना धीमी गति से चल रही है और अभियुक्तों के सामने उसको भी बुलाया गया था जो उचित नहीं है। थानाध्यक्ष को दूरभाष पे तत्काल निर्देश दिए गए हैं, विवेचना में तत्काल कार्रवाई करें, निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो भी अभियुक्त नामजद हैं उनसे पूछताछ करने के उपरांत तथ्यों के आधार पर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ